ट्यूब वेलकम टू दी चैनल जिसका नाम है फ्रीक का लवर्स। और आज आप देख रहे हैं अल्काज़ार की एक्सक्लूसिव वीडियो। ये मैं ह्यूंडई के जो स्टॉक यार्ड है वहाँ से बना रहा हूँ ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि ऑटोमेटिक और मैनुअल में से आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और एंड तक देखना वीडियो, एंड में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी होने वाली है। बर्कले ह्यूंडई जीरकपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका नाम? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। हरप्रीत सिंह सर, आपको किस डेजिग्नेशन पे हो यहाँ पे? मैं सेल एग्जीक्यूटिव। सेल एग्जीक्यूटिव, तो सर आप बताना चाहोगे कौन सा वेरिएंट खड़ा है हमारे सामने? प्रेस्टीज वेरिएंट खड़ा है 7 सीटर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो सर इसकी जो प्राइसिंग है बेस मॉडल की ऑटोमेटिक में, ये डीजल है? ये डीजल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो इसकी जो एक्सशोरूम प्राइसिंग क्या रहने वाली है? इसकी एक्सशोरूम प्राइसिंग रहेगी 18,01,000 के राउंड। 18,01,000। जो क्रेटा की जो टॉप मॉडल की जो ऑटोमेटिक में आएगा, सेम इंजन दे रहे हैं वैसे तो, तो इसमें क्या प्राइसिंग क्रेटा की क्या रहती है? क्रेटा की प्राइसिंग 17,65,000 रहती है एक्सशोरूम प्राइस। ओके, और इसकी? इसकी यही 18,01,000 है। तो मतलब आपका अराउंड आप गाइस देख सकते हो 40,000 to 45,000 में आपको एक तो दो सीट्स एक्स्ट्रा मिलेगी। 7 सीटर है इसमें, 2 सीट्स एक्स्ट्रा मिलेगी जिसमें आपको क्रेटा से कुछ भी कम नहीं मिलेगा। आपको ट्रायोबीम हेडलाइट्स मिल रही है, आपको डी क्रोमिंग वाली आगे फ्रंट ग्रिल मिल रही है, नीचे आपको जो फॉग लाइट है वो आपको एलईडी मिलेगा, 17 इंचेस के अलॉयज मिलेंगे। क्रेटा में 18 आते हैं ना टॉप में, तो अगर आपको अलॉयज से इतना आप कंपेयर थोड़ा आपको करना पड़ेगा। बाकी ऑटोमेटिक है ये, आपको इसमें भी पैनारोमिक सनरूफ मिल जाएगी जो कि ह्यूंडई ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है इसमें। बाकी इसमें आपको अंदर जाके एक बार सर एक बार हमें अंदर जाके दिखा दीजिए। इस मॉडल से देख रहे हो तो इसमें टैन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आने वाला है, ठीक है सर? तो इसमें आपको ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो ऑटोमेटिक वेरिएंट में आप बता सकते हैं कि बेस मॉडल हमें क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है? ऑटोमेटिक वेरिएंट में सर सबसे पहले इसमें म्यूजिक सिस्टम की बात कर लें तो 26.3 सेंटीमीटर का इसमें म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा। ओके ओके, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। हाँ जी हाँ जी, और बाकी FATC आ जाएगा फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल। तो ये आपको बेस मॉडल से प्रोवाइड होगा? बेस मॉडल से प्रोवाइड होगा। तो इसमें एक बार आप सीट एडजस्ट करवा कर दीजिए अपने हिसाब से ताकि हम बता सके कि लेग रूम और हेड रूम कितना मिलता है कस्टमर्स को। सीट हाइट एडजस्टेबल सीट आ जाएगी इसके अंदर। हाँ जी हाँ जी, 8-way एडजस्टेबल है ये? नहीं, 8-way एडजस्टेबल प्लैटिनम में है। प्लैटिनम में, ये 6-way है? ये 6-way। तो इसमें सारा मैनुअल है या इलेक्ट्रिक है? मैनुअल है सर। ये मैनुअल है, और आप एक बार जैसे स्पीडोमीटर देख सकते हैं, तो स्पीडोमीटर तो ये जैसे टॉप मॉडल क्रेटा का आता है सेम वैसा ही दे रखा है। और अगर इसके टॉप में जाए तो इसका स्पीडोमीटर चेंज हो जाएगा, वो फुली डिजिटल आ जाएगा इसमें, सेमी डिजिटल। ओके, वो फुली डिजिटल आ जाएगा। तो इसमें आपको इनबिल्ट आपको एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो सब मिलेगा। तो इसमें भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग हमें देखने को मिलेगी, जो एम्बिएंट लाइटिंग 64 वाली जो आ रही है, कलर्स आ जाते हैं उसके। तो यहाँ पे जलेगी है ना, यहाँ पे चारों डोर पे आ जाएगी। तो एक बार आपको मैं पैनारोमिक का भी दिखा देता हूँ कि आपको बेस मॉडल में इतना सब कुछ मिल रहा है। पीछे आप 7 सीट देख सकते हैं। तो सर अभी तक रिस्पांस कैसा आ रहा है कि जो जो लास्ट रो है उसमें अगर कोई एडल्ट बैठना चाहे तो कंफर्टेबली बैठ सकता है या नहीं? कंफर्टेबली बैठ सकता है, उसके अंदर लेग रूम मतलब अच्छा है, पीछे का पीछे लेग रूम अच्छा है। पर मैंने जैसे और वीडियोस में देखा है कुछ सब कह रहे कि चिल्ड्रंस के लिए ज्यादा सही है। चिल्ड्रंस के लिए हाँ, थोड़ा अडल्ट के लिए मतलब ज्यादा अगर हाइट हो तो। अगर कोई क्रेटा छोड़ के ये लेना चाहे तो उसको क्या क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा? सर एक तो 7 सीटर है, 6 सीटर का ऑप्शन मिल जाएगा उसके। ओके ओके, पेट्रोल में ऑप्शन आ जाता है 2.0 लीटर का। हाँ जी, 2000 सीसी इंजन आता है। तो जो 2000 सीसी का जो इंजन आ रहा है तो वो आपको एवरेज हमें कम नहीं देगा? माइलेज उसकी 14.5 के अराउंड। तो अब जैसे इसमें 1500 सीसी का आ रहा है, तो इसमें 1.5 क्रेटा वाला ही आ रहा है, तो ये कितनी एवरेज निकाल देता है इसमें माइलेज? सर 17.2 के रहो। तो ये क्रेटा से थोड़ी कम एवरेज देती होगी बिकॉज ऑफ वेट एंड लेंथ के हिसाब से। हाँ, तो इसमें आप कुछ बताना चाहेंगे कि जो कस्टमर्स हैं वो इसको प्रेफर करें बेस मॉडल को? सर फीचर के देखो ब्लू लिंक आ जाएगा बेस मॉडल में। अच्छा, बेस मॉडल में आपको ब्लू लिंक भी दे रहे हैं? बेस मॉडल से ही ब्लू लिंक आ जाएगा, आप देख सकते हैं ब्लू लिंक आपको बेस मॉडल से मिल जाएगा। इसमें वॉइस रिकॉग्निशन का आ जाएगा, आप सनरूफ वॉइस कमांड से कर सकते हो उसके अंदर। तो इस सकते हैं इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आ रहे हैं? पैडल शिफ्टर आ जाएंगे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। तो ये ओनली ऑटोमेटिक में ही आएंगे? ओनली ऑटोमेटिक में ही, ठीक है। और इसमें आपको स्पीडोमीटर आपको बता दिया, बाकी जो पेट्रोल की आपने एवरेज बताई है तो उससे थोड़ी कम मिलेगी या 14 के अराउंड ही मिलेगी अपने को? ड्राइविंग हैबिट पे डिपेंड करता होगा। बाकी एक बार हम जल्दी से पीछे वाली सीट पे जाके दिखा देते हैं क्या स्पेस है। जैसे अभी आप बैठे हो पीछे तो अभी आप कंफर्टेबल हो, आप लेग रूम हेड रूम के हिसाब से तो आप लेग रूम आप देख सकते हो कितना इनको मिल रहा है, और हेड रूम भी आप देख सकते हो। और इसी स्पेस के हिसाब से मैं आपको पीछे स्पेस दिखा दूँ,
पीछे आपको इतनी स्पेस मिलने वाली है, हालांकि ये सीट और भी रिक्लाइन हो सकती है, अगर कोई पीछे ना बैठे तो बूट स्पेस भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। आप पीछे देख सकते हैं एसी कंट्रोल्स भी, आपको एसी वेंट्स कंट्रोल मिल जाएंगे, पीछे आपको एलईडी लाइट्स मिलेगी, जो एसी का एयर वेंट है उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो आप, पीछे ग्लास होल्डर्स मिल जाएंगे, इस साइड भी आपको एसी वेंट मिलेगा, एक आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा। बाकी इसमें जो म्यूजिक सिस्टम है वो नॉर्मल ही होगा, म्यूजिक सिस्टम नॉर्मल है। यहाँ पे भी आपको एक एसी वेंट मिल जाएंगे, मिल जाएगा, फास्ट चार्जर आ जाएगा, मोबाइल होल्डर आ जाएगा, हाँ जी, यहाँ पे एयर प्योरीफायर आ जाएगा, टच डिस्प्ले के साथ, ओके, और ये आप स्टीरियो से भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसमें आप और क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बीच वाली रो में? बीच वाली रो में सर यहाँ पे आर्मरेस्ट आ जाएगा एक। अच्छा, यहाँ पे आर्मरेस्ट भी है पॉलिथीन की वजह से। इसमें जो सिक्स सीटर है उसमें क्या डिफरेंस होगा? सिक्स सीटर में सर ये आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे यहाँ पे फिक्स है, उसके अंदर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आ जाएगा, हाँ जी, मोबाइल होल्डर आ जाएगा। अच्छा, वो यहाँ पे फिक्स रहेगा? हाँ जी, ठीक है। अगर बात करें तो पीछे से जो अल्काज़ार की बैजिंग है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, हाँ जी, ठीक है, तो इसमें हम जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे कि ये बेस मॉडल है, बीच का है या टॉप ऑफ द लाइन है? क्योंकि यहाँ पे लेबलिंग नहीं आती जैसे आपकी पहले गाड़ियों में आती थी, SX ऑप्शनल वाली जो आती है। सर एक तो बाहर से टायर साइज का हो गया इसके अंदर। अच्छा, इसमें 17 है, उसमें 18 मिलेंगे, उसमें 18 मिलेंगे, तो इससे ऊपर वाले में 18 मिलेंगे या टॉप में 18 मिलेंगे? इससे ऊपर वाले में 18 मिलेंगे, प्लैटिनम वेरिएंट से। अच्छा, इससे ऊपर वाले में हमें 18 मिलने लग जाएंगे, साइड में स्टेप फुट आ जाता है उसके अंदर। ओके ओके, इसके अंदर स्टेप फुट नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट्स है, ये भी एलईडी रहने वाली है, पूरी एलईडी रहेगी, ठीक है, एलईडी, और यहाँ पे वॉशर वाइपर भी अपने को मिल रहा है। तो ये फिटेड पूरा स्पॉइलर है हमें देखने को मिल रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि जो पीछे जो इसकी लुकिंग दी है वो किससे थोड़ी सिमिलर लग रही है? सिमिलर तो पीछे देखो एंडेवर जैसी लग रही है थोड़ी, पर आपके जैसे मुझे एक ही चीज देखनी थी, जो सेवन सीटर में गाड़ियां होती हैं उनकी हाइट थोड़ी ऊंची होती है, हाँ जी। तो इसकी हाइट उतनी ऊंची नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं आपकी हाइट से भी थोड़ी सी नीचे लग रही है ये, हाँ जी। तो वो आपको लगता है कि ये कोई नेगेटिव पॉइंट रह सकता है इस गाड़ी के लिए? नहीं, नेगेटिव पॉइंट तो कोई नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर हेडरूम भी काफी अच्छा मिल जाता है हमको। ये बात आपकी सही लगी, बट जो कस्टमर जो जैसे इनोवा और फॉर्च्यूनर की साइड जाते हैं वो थोड़ा ऊपर हाइट देखते हैं, उसके हिसाब से प्राइसिंग भी कम है इस गाड़ी की, हाँ जी। सर मैं ये जानना चाहूंगा, इस गाड़ी पे अभी वेटिंग चल रही है कुछ? वेटिंग चल रही है सर, 2 से 3 मंथ्स की अप्रोक्सीमेटली वेटिंग चल रही है। और अगर इसकी कोई बुकिंग कराना चाहे तो बुकिंग करवा सकते हैं सर 25,000 से। तो सर का एक बार मैं नंबर, सर आप नंबर बता दीजिए, मैं आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश करवा दूंगा। नंबर सर 9878926606। एक बार और रिपीट कर दीजिए, 9878926606। सर आपका नाम? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है सर। हरप्रीत सिंह, तो जो भी अगर अल्काज़ार की बुकिंग या परचेजिंग करना चाहते हैं वो बर्कले हुंडई सर जीरकपुर में ना, बर्कले हुंडई जीरकपुर, जीरकपुर में आप आ सकते हैं, हरप्रीत जी मिलेंगे आपको, नंबर मैंने दे दिया, आप कॉल करके भी आ सकते हैं और आप सीधा शोरूम विजिट भी कर सकते हैं, आप शोरूम विजिट करके हरप्रीत जी का नाम भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए, बात करते हैं दूसरी वीडियो में।